HCF and LCM बहुत आसान तरीके से पता करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो मेथड काम में लेने वाले हैं वो है आपका दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जिसको हम हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। इस मेथड में हमें क्या करना है, इन नंबर के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए, अपने प्राइम नंबर्स चाहिए। देखिए हम प्राइम फैक्टर करने के लिए इनको कुछ ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद अपने प्राइम नंबर से, यहाँ पे देखिए मैं आपके प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये 1 से लेकर 20 तक की प्राइम नंबर है। इनके द्वारा हम इसको सीक्वेंस से डिवाइड करेंगे। कैसे, पहले हम 2 का चेक करेंगे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का देखिए दोस्तों आपका डिवाइड हो रहा है। 306 में जब हम अपना 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना 1 टाइम चला गया, माइनस किया 1 आ गया, 0 को हम यहाँ ले आए, कितना 5 टाइम चला गया, कितना 10 आ गया, माइनस किया 0 आ गया, 6 को हम यहाँ ले आए, कितना टाइम चला गया आपका 3 टाइम चला गया, माइनस किया 0 आ गया। देखिए आपका जितने टाइम डिवाइड हुआ है वो इसके ऐसे नीचे लिखना है, या इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 का भाग दिया, इतना बार भाग गया। ओके, समझ आना चाहिए दोस्तों बस। अब अगेन हम इसमें ध्यान से देखें तो 2 का भाग जा ही नहीं रहा, लेकिन 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग दिया दोस्तों कितनी बार गया, 5 बार, और आपका 1 बार। इसमें देखें तो फिर आपका 3 का भाग जा रहा है कितना, 1 बार और 7 बार। 17 आपकी एक अभाज्य संख्या है जो 17 से ही विभाजित होगी, कितना, 1 बार। तो यहाँ पे 306 के हमारे पास गुणनखंड क्या आ गया, देखिए दोस्तों 2, 3, 3 और गुणा 17, ये हमारे पास 306 के गुणनखंड आ गए। इसकी बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों आपका देख पा रहे हैं आप स्पष्ट रूप से 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, किसी भी संख्या को देखते कैसे बताएं, उसका इकाई अंक देखो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है, तो इसका इकाई अंक देख लीजिए कितना है, 7। इनमें से नहीं मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। यदि हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो भी हमारा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि नियम याद रख के देख लो। तो मैं क्या करूं दोस्तों, मैं गया अपना 3 के पास, 3 का नियम देख लेते हैं। डिजिट का सम करने पर 3 से डिजिबल होना चाहिए, तो सम करते हैं तो कितना आ रहा सबका, 18 आ रहा है, जो 3 से डिजिबल है यानी आपका 3 से डिजिबल होगा। इसमें 3 का डिवाइड देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसी को डिवाइड करने में समस्या हो तो यहाँ साइड में लिख के डिवाइड कर लें, कोई संकोच की बात नहीं है। कितना, 2 बार चला गया, कितना, 1 बार और 9 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 7 बार और आपका 3 बार। सही किया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जो 73 है वो आप एक ही अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 73 में 73 का डिवाइड होगा कितना, 1 बार। देखिए 73 आपकी एक अभाज्य संख्या है, इसकी आप जांच कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे जब 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है आपका, 81 आता है, ठीक है, या आप ऐसे समझ लो, हाँ ऐसे ही समझेंगे, ये सही रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64, जो कि लेस देन 73 है। 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 73। अब यहाँ पर जो 9 तक की आपके नंबर है, कौन से नंबर, प्राइम नंबर, 9 तक के प्राइम नंबर कौन है, 2, 3, 5, 7। अब देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, ना इससे डिविजिबल है, ना इससे है, ना इससे, मतलब ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर खुद से ही डिविजिबल रहता है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे 657 के हमारे पास ये फैक्टर मिल जाते हैं। हमें किसकी बात करनी है, एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करनी है। एचसीएफ की बात कर लेते हैं, करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस करना है। इसका फुल फॉर्म याद करो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर को देखना है, ऐसा फैक्टर जो यहाँ भी है यहाँ भी है, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके, कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म याद रख करके। और आपके पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसका मल्टीप्लाई किया कितना गया, 9। एलसीएम की बात कर लेते हैं, देखिए एलसीएम यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस पड़ा है। एलसीएम में देखिए जो कॉमन फैक्टर आए हैं उनको तो लेना ही है, उसके बाद जो पीछे बचे हुए फैक्टर है, कौन बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे कौन है 17। अब इन सब का दोस्तों हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बता देता हूँ। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 657 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई तो 34 आ जाता है। इन दोनों को आप दोस्तों मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा।